नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं NKY फार्मर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मूली की खेती कब और कैसे करें, मूली की खेती करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, कौन सा बीज लगाए, कौन सी विधि से बिजाई करें, कौन कौन सी खाद डाले, इन सभी विषयों पर अच्छे से जानकारी देंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको मूली की खेती के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप अपनी मूली की सफल खेती कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो आप सबसे पहले खेत की तोता हल से गहरी जुताई कर ले। यह हल आपके खेत की मिट्टी को काफ़ी नीचे तक गहरी जुताई करता है, जिससे खेत की मिट्टी में अधिक जल ग्रहण करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, जिससे ज़मीन तुरंत सारा पानी सोख लेती है। किसान साथियों, आप अपने खेत की जितनी अधिक गहराई में जुताई करते हैं तो आपके खेत की मिट्टी उतनी अधिक फोली बनेगी, और मिट्टी जितनी अधिक फोली रहेगी तो आपकी मूली उतनी ही लंबी व मोटी बनेगी, जिससे आपका उत्पादन भी अधिक होगा। इसलिए आप खेत की तैयारी अच्छे से करें। इसके बाद आप देसी खाद भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी और अधिक पैदावार होगी। एक बार तोता हल से जुताई करने के बाद एक बार रोटोवेटर चलाकर मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी बना लीजिए। दोस्तों, हम सेजेंटा की आईवेरी वाइट मूली की जो है वैरायटी लगाते हैं, यह वैरायटी सबसे अच्छी मानी जाती है और पैदावार भी अधिक देती है। इस वैरायटी की मूली काफ़ी लंबी व मोटी बनती है और खाने में बहुत मीठी होती है, इसलिए यह बीज बहुत ही प्रसिद्ध है। इस वैरायटी में कीट रोग भी बहुत कम लगता है, इसलिए आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और वैरायटी लगाना चाहते हैं तो उसे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, बीज को बुआई करने से पहले आप रात भर भिगोकर रख सकते हैं और इसके बाद आप इनकी बिजाई कर सकते हैं। बीज को रात भर भिगोने से बहुत ही जल्दी से आपकी मूली उग जाती है। बीज की बिजाई करने से पहले एक बार बीजों को उपचारित जरूर कर लेना। 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थायरम या बाबिस्टन दवा से उपचारित जरूर कर ले। दोस्तों, अब बात करते हैं हमें इसकी बिजाई कौन सी विधि से करनी चाहिए, जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो सबसे अच्छी विधि जो मानी जाती है वह विधि है मैड या बैड विधि। मूली की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस विधि से पैदावार बहुत अधिक मिलती है, क्योंकि बैड व मैड जमीन से ऊपर उठे हुए होते हैं, जिससे हमारी मूली अधिक लंबी व मोटी हो जाती है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। इस विधि से खेती करते हैं और बारिश अधिक हो जाती है तो भी हमारी मूली की फसल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। आप मूली की खेती बैड या मैड बनाकर ही करें, यह विधि बहुत ही अच्छी होती है। किसान साथियों, वैसे तो आप मूली की खेती पूरे साल भर कर सकते हैं, लेकिन मूली की खेती का सबसे अच्छा समय जो होता है वह सितंबर महीने से लेकर फरवरी के बीच का समय होता है, क्योंकि इस समय आप मूली का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस मौसम में कीट रोग भी बहुत कम लगता है और इस मौसम में आपकी मूली की फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इस समय मूली का रेट भी अधिक मिलता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम वीडियो के अंत में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे, तो दोस्तों, आपको अपनी मूली की फसल में बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई नहीं करनी है। जब भी सिंचाई करें तो हल्की ही सिंचाई करें, और जब आपकी मूली की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तब एक बार NPK 19:19 का स्प्रे जरूर करें। इससे आपकी मूली की फसल तेज़ी से बढ़वार करेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से खेती करते हैं तो आपकी मूली की फसल बहुत ही कम समय में 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगी और आपको इसकी पैदावार भी अधिक मिलेगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।